हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस ब्लॉग में मैं आपको अपना फर्स्ट विजिट टू आइकिया दिखाने जा रही हूँ। तो आज हम लोग आइकिया बैंगलोर घूमने जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग वहाँ पे क्या शॉपिंग किए हैं और क्या क्या किया हमने। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आइकिया में इंटर करते ही हमें ये बोर्ड दिखा जहाँ पे हमें पता चला कि आपको अगर पर्सनल असिस्टेंट चाहिए शॉपिंग करने के लिए वो भी मिल जाएगा। तो हम लोग एस्केलेटर से ऊपर गए और देखा हमने क्रिसमस की अच्छी वाइब आ रही थी, अच्छे क्रिसमस ट्रीज मिल रहे थे। अगर आपको चाहिए डेकोरेशन के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो चलो फिर आगे देखते हैं और हमने क्या क्या देखा। क्रिसमस की अच्छी वाइब थी यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेट किया है हमने। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही क्राउड था, लोग कितना शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हमने देखा यहाँ पे लोग खाने के लिए आते हैं, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो हम लोग भी लाइन में लग गए खाने के लिए। मुझे यहाँ का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको फूड चाहिए तो आप एक ट्रॉली यूज कर सकते हो जहाँ पे 3 ट्रे लगा सकते हैं। आप देख सकते हो सबके हाथ में है और उसमें आप फूड रख सकते हो, जो जो चाहिए आपको उसमें आप खरीद के रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्टॉल्स है, अगर आपको केक चाहिए, कुकीज चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा क्राउड है, इतनी लंबी लाइन लगी थी फूड के लिए। तो हम लोग भी इस लाइन में लग गए और अपने ट्रॉली के साथ ऑफ कोर्स, और जो जो हमें फूड चाहिए था वो हमने ट्रॉली में रख लिया। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज के पेस्ट्रीज मिल रहे थे जो हमने भी ट्राई किया, काफी अच्छा लगा। फिर हमने पोटैटो वेजेस ट्राई किए, वो भी अच्छा था। एंड फॉर लंच हमने पनीर बटर मसाला एंड राइस ट्राई किया, वो भी काफी अच्छा था, डिलीशियस था। यहाँ पे मैं ट्रॉली के साथ हूँ और चलो फिर हम लोग खाना खा के चलते हैं। क्या क्या वहाँ पे है आइकिया में खरीदने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये बेड सेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे लोग हैं आपको असिस्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ डेकोरेशन का है, इंटीरियर का यहाँ पे मोस्टली आइकिया में मिलता है। अगर आपको कुछ इंटीरियर करवाना है घर का तो आप यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ये टेबल मुझे थोड़ा अच्छा लगा, आप देख सकते हो यहाँ पे बटन है, अगर आप पुश करोगे बटन तो ये ऊपर जाएगा, और फिर अगर आपको लोअर हाइट का चाहिए तो वो भी हो जाएगा। आप स्टैंडिंग पोजिशन में भी अगर काम करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इट वॉज वेरी कॉस्टली, 50,000। अगर आपको किचन का इंटीरियर कराना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा वेराइटीज है सिंक का और टैब का। इस सेक्शन में सिर्फ किचन का सामान मिल रहा था, वेराइटीज बहुत ज्यादा था, और अगर आपको ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था। तो वहाँ पे दोनों तरह की चीज़ें मिल रही थी, लाइक कॉस्टली चीज़ें भी मिल रही थी और चीप चीज़ें भी मिल रही थी। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ का। तो ये मेरा फर्स्ट विजिट था आइकिया का, तो यहाँ का फूड मुझे अच्छा लगा। मुझे कुछ खास शॉपिंग तो नहीं करनी थी, पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। और अगर मुझे इन फ्यूचर इंटीरियर का कुछ काम पड़ा तो मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पे और विजिट करूँगी और एक्सप्लोर करूँगी चीज़ें। यहाँ पे फ्लावर वेजेस बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेक्शन में और आपको इसका वर्चुअल टूर देते हैं। चलो फिर।
आर्टिफिशियल प्लांट्स मिल रहे थे इस सेक्शन में। आप देख सकते हो कितने तरह का प्लांट्स है यहाँ पे। ये स्टोरेज वेयर हाउस है जहाँ पे सारे आइटम्स स्टोर्ड किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस का बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये सेक्शन। तो अब यहाँ से हम लोग बिलिंग काउंटर जाएंगे और फिर जो भी खरीदा है हमने तो वो उसका बिलिंग कराएंगे। तो चलो फिर चलते हैं। तो आपको ये वर्चुअल विजिट टू आइकिया कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।